हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक। यस गाइस, बहुत टाइम से मुझे मेकअप वीडियो बनाने की इच्छा हो रही थी और आज मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट हम करेंगे आई मेकअप। सो आई मेकअप के लिए देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं आई मेकअप करती हूँ तब भी थोड़ा सा प्राइमर यूज़ करती हूँ अपनी आईज़ की आईलेट के ऊपर, बिकॉज इसकी वजह से फिर आपके जो कंसीलर और कलर्स और वो होते हैं ना आई शेडो के, वो अच्छे से ब्लेंड होते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा अपनी आईज़ के ऊपर प्राइमर को लगा दिया। मैंने कंसीलर लगा दिया है अच्छे से, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड में अभी पहले ब्रश से करूँगी, नहीं तो मैंने अभी मुझे ऐसा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर से मैं डायरेक्ट कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ तो वो सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर वेस्ट हो जाता है। सो हम करेंगे ब्रश। सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा फ्लैट सा जो ब्रश होता है ना, हाँ इस टाइप का, इससे मैं अभी ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस अभी देखो मैंने ब्लेंड कर दिया, अब हमें लेना है ब्यूटी ब्लेंडर और थोड़ा बस इसे डैप करना है ताकि वो जो एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए बस। और गाइस अभी मेरी आईज थोड़ी पफी पफी लग रही है तो प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज अभी सुबह हो रही है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ और मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हमें कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ी अपनी आईज़ को सेट करना है। सो आईज़ का बेस सेट हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो आई एम यूजिंग स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और इसमें मैं अभी थोड़ा पिंक शेड ले रही हूँ और इसको पूरी अच्छी आईलेट्स के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करना है। सो ब्लेंड करते करते मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ गाइज। देख, सो गाइज मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको भी अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी जो मेरे साथ हुआ हुआ है। सो गाइज क्या करना है ना आपको, मैंने जो पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था उस पर मैं क्या करा था, मैंने बोल बोल के सब्सक्राइब कराया था लोगों से, मीन्स मेरे जो फ्रेंड्स फैमिलीज वाले थे उनसे मैंने सब्सक्राइब करा था। तो मेरे को ऐसा लगता था सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप अपने सब्सक्राइबर्स अगर आप नया यूट्यूब चैनल बना रहे तो उसको नेचुरली ग्रो होने देना गाइस, क्योंकि क्या होगा ना आप सब्सक्राइब तो करवा लोगे उससे आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, और वो आपकी खुशी के लिए सब्सक्राइब कर देंगे लेकिन फिर वो आपकी वीडियोज़ देखे नहीं देखे उस चीज़ की गारंटी नहीं है। अब आप ऐसे नेचुरली होने देंगे ना तो आपके साथ एक चीज़ अच्छी रहेगी कि आपको वो लोग ही सब्सक्राइब करेंगे जो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने ये जो मेरा न्यू चैनल है इस पर मैंने किसी से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है और ना मैंने नेचुरली ग्रो होने दिए सब्सक्राइबर्स, उससे क्या हो रहा है ना मेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं ना वो जेन्युइन व्यूज़ आ रहे हैं, और अभी जो जितने भी सब्सक्राइबर्स भले एक स्मॉल अमाउंट में सब्सक्राइबर्स है लेकिन मेरे को ये है कि हाँ वो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है। और अभी जो स्टार्टिंग का जो आपके पास टाइम होता है ना ये बेस्ट टाइम होता है, मीन्स आपके सब्सक्राइबर से इंटरेक्ट करने का। बाद में आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, बाद में जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं ना तब इतना आपको वो रहता नहीं है, बिकॉज फिर आप हर एक सब्सक्राइबर से इंटरेक्ट नहीं करते। तो ये जो स्टार्टिंग टाइम है जब आपके सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हैं लेकिन वो आपके बहुत क्लोज टू हार्ट है, ओके, आप उनसे जो चाहे आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कमेंट करेंगे तो आप बहुत आसानी से रिप्लाई करेंगे, एक मतलब फ्रेंडशिप बन जाता है सब्सक्राइबर्स के और आपके बीच में। तो ये टाइम बहुत अच्छा प्रीशियस रहता है और नेचुरली आपके सब्सक्राइबर्स ग्रो करेंगे तो आपको दिल से खुशी होगी। एंड अभी मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं भले थोड़े कम हैं लेकिन दे आर सो क्लोज टू माय हार्ट और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ दे आर माय सब्सक्राइबर्स। बस आप कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोज़ देखना कैसा अच्छा लगता है, और अभी कोई न्यू है जो मेरी वीडियो देख रहा है अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बातें तो बहुत सारी हो गई है, और देखिए अभी मैंने पिंक शेड अप्लाई कर दिया मेरी दोनों आईज़ के ऊपर, ओके। अब हमें क्या करना है,
लाइट सा डार्क सा शेड, कोई भी डार्क शेड आपको जो पिंक के साथ मैच हो रहा है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ दिस शेड, ये वाला हल्का सा लेना है और सिर्फ आपके आउटर कॉर्नर पे इसको प्लेस करना है। ओके, मैं बताती हूँ, आप कोई भी पिंक के साथ आपको जो भी अच्छा लग रहा है डार्क शेड आप ले सकते हैं, हल्का सा इसको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है। ओके, अब जो हमें ना, अब हमें क्या करना है, कंसीलर से हल्का सा क्रीज दे, अब आपको इस वाली फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड कर दिया मैंने, अब हमें ग्लिटर शेड लेकर और इसके ऊपर हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है, प्लेस कर देना। सो मैंने थोड़ा ग्लिटर लिया है जैसे, नाउ जस्ट लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जैसे आईलाइनर लगाना है लगा कर नीचे से हल्का सा काजल के साथ इसको स्मच करना है और मस्कारा लगा के हमारा आई लुक कंप्लीट। जैसे भी काजल भी अप्लाई कर दिया, अब हमें क्या करना है, वापस से थोड़ा पिंक शेड लेना है और पिंक शेड को हमें नीचे काजल के साथ स्मच करना है। हमारा यहाँ पर आई लुक कंप्लीट होता है। अब हमें करना है मेक, मतलब बेस से। फर्स्ट टाइम यूजिंग फरसाली सीरम, यूजिंग प्राइमर, नाउ आई एम डूइंग कॉन्टोरिंग, तो मैं थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन सा शेड ले रही हूँ और इस पर कॉन्टोर कर रही हूँ। सो हमारा बेस हो गया सेट, अब हमें लगाना है ब्लश। सो अभी हमने ब्लश अप्लाई कर दिया और बेस देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया और आई मेकअप भी कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें हाइलाइटर और लिपस्टिक, बस दो चीज़ें और करनी, तो हम फटाफट से वो कर लेते हैं। सो हाइलाइटर लगा देते हैं सबसे पहले। देखिए कितना ज़बरदस्त हाइलाइटर है, ये मेरी एक आई शेडो पैलेट है उसमें से मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ और ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, पूरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो दे देता है ये वाला। लास्ट में अप्लाई करनी है लिपस्टिक, तो हम फटाफट लिपस्टिक लगा देते हैं अभी। तो गाइज यहाँ मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर दी और हेयर आई कंप्लीट माय मेकअप लुक। सो गाइज आपको कैसा लगा है मेरा मेकअप लुक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो, आई होप यू रियली इन्जॉय वाइल वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी और मेकअप वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि आपको और किस किस टाइप का मेकअप चाहिए। और मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा है। So yeah guys, this is all. Bye. Allah Hafiz. See you in the next video. Bye guys.